जो मैं यहाँ आया हूँ और काशी संगीत समाज तरफ से मैं आप लोगों से मिल पाते मिले आज और कुछ पेश करने की मौका मिल गया। जैसे रश्मि जी ने कहा तो कह रहे थे काशी संगीत समाज के साथ तो हमारा रिश्ता बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी पाठक जी से शिक्षा लेते रहे, वो बहुत दिन यहाँ रहे। फिर उसके बाद मनोजी महाराज पखावज यहाँ सिखाते रहे बहुत लोगों को। उनका एक शिष्य थे विठलदास जी, विठलदास गुजराती जी, जो हमारे साथ बहुत ही साल कलकत्ते में बजाए 30 साल का ऊपर, क्योंकि वो बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते थे। इसलिए जब से वो कलकत्ता पधारे 1960 के बाद बहुत ही हमारे साथ बजाए और करीब 10 साल पहले वो अस्वस्थ हो गए थे इसलिए बजा नहीं पाए। तो पिताजी यहाँ रहे, शिक्षा लेते रहे और बनारस ऐसा जगह है जो बाबा विश्वनाथ जी की पुण्य स्थान है और संगीत का लिए तो विख्यात है, प्रसिद्ध है। हमारे ये जो घराना है इसको बेतिया घराना कहा जाता है, यहाँ के भोलानाथ पाठक जी के, और उनके गुरु जी जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध गुणी संगीतज्ञ थे, संगीताचार्य पंडित जयकरण मिश्रा जी। कहा जाता है जो जयकरण मिश्रा जी का 2000 ध्रुपद हमारा कंठस्थ था। अगर अगर एक राग वो लेते थे और वो अगर चाहते थे तो 10-12 चीज तो एक के बाद एक गायला लेते थे, प्रभावशाली हो। इसी का परंपरा हमारा चला रहा है। और आलापचारी जो आलाप होता है, ध्रुपद का पहले जो आलाप हम लोग करते हैं, ये पाठक जी ने कितना महान व्यक्ति थे देखिए। पाठक जी और नसीरुद्दीन खान साहब जो डागर ब्रदर्स के पिताजी थे इंदौर के, वो यहाँ आया करते थे, तो वो तो परम मित्र थे, क्योंकि बेतिया घराने में आलाप की उतना जगह नहीं है जो नागर घराना इसके लिए प्रसिद्ध है। तो पाठक जी ने चाहा जो वो मेरे पिताजी को नसीरुद्दीन खान साहब जरा तालीम दे तो अच्छा है, उन्होंने तो स्वीकार कर दिया। तो इसलिए हमारा घराने में अगर कहा जाता है दो घराने के सम्मेलन है, डागर घराने के आलापचारी और बेतिया घराने के ध्रुपद धमाल ख्याल कमली कप्पा। तो आज हम राग भीम प्रदर्शनी से शुरू करते हैं। एक गुरु वंदना उसी में करेंगे और शायद उसके बाद एक गणपति वंदना भी करेंगे और उसके बाद चिंतामणि मिश्र जी की बहुत प्रसिद्ध ध्रुपद रचना करते थे बहुत ही पहले, बहुत सारा पहले, उन्हीं का एक पद हम गाएंगे चौपारा में 12। अनुमति दीजिए।
Thank you.
Yeah.
विधान सार है गावे, धरन मुरन तान तार के प्रमाण, उक्त जुक्त के विधान सार है गावे। आरोही अवरोही अस्थाई संचारी, शुद्ध मुद्रा शुद्ध वाणी साध गावे। आरोही अवरोही अस्थाई संचारी, शुद्ध मुद्रा शुद्ध वाणी साध गावे। ये साधन करते जाइए। मूर्छना प्रमाण सो, मूर्छना प्रमाण सो गमक भेद च्युत अच्युत, साधारण के बोले व्यक्त व्यक्त कर गाय। मूर्छना प्रमाण सो गमक भेद च्युत अच्युत, साधारण के बोले व्यक्त व्यक्त कर गावे। चिंतामणि गुरु ज्ञान आन मान श्रुति प्रमाण, चिंतामणि गुरु ज्ञान आन मान श्रुति प्रमाण, उलट पुलट सुर न करे, उलट पुलट सुर न करे, प्रेम भक्ति दृढ़ करे, प्रेम भक्ति दृढ़ करे, तब गुणिजन मध जाए मान। ये सब अपनाना है और देखना है जी इसमें हम कुछ ज्ञान लाभ किया है, तब गुरुजन के पास जाओ, तब मान पाओगे। शौतारा में बारह मंत्र,
Thank you.
मेरा बैग तो आखिर ये शुद्ध फसल कहा जाता है, इसमें पंचम नहीं है, कोमल देवत नहीं है, कोमल विषण शुद्ध देवत Yeah.
सब मन भूले मारती के तभी चंपा गुलाब पूजत Thank you.
Thank you.
आज के कार्यक्रम का ये शंकर भगवान की जो भी आपने वंदना श्री आलमनी मित्र जी के कंठ स्वर से श्रवण किया, वो उनकी ही अपनी बनाई हुई कृति थी। ये आज की संगीत सभा संपन्न होती है। हम आप सभी सज्जनों के हृदय से आभारी हैं जो आपने अपना अमूल्य समय देकर आज के आयोजन को सफलीभूत किया, और आगे अब आयोजन तो अब हम अपने उन सभी कलाकारों के भी आभारी हैं जिन्होंने आज के कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ब्रजराज जी और सभी लोग उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। दूर दूर से लोग आते हैं, जब हमारे यहाँ ऐसे ही प्रेम ऐसा ही सहयोग बना रहे और प्रभुदास जी को भी आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने आज अपना यह स्थल हमें कार्यक्रम के लिए प्रदान किया, हम उनके लिए आभारी हैं। धन्यवाद। आप पहली बार समाज के कार्यक्रम में पधारे, प्रभु का उनकी ही अपनी रचना थी। आपके साथ सनम शंकर जी के साथ अरे श्री गिरीश आपके ठाकर जी हैं। देखो मेरा प्रमुख लोगों में अरुण कुमार आचार्य जी हैं, बंद कर।